हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं दीपावली स्पेशल पार्ले जी की इस तरह की मिठाई मैं बनाऊंगी। ये मैंने पार्ले जी की बिस्किट से बनाया है और देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और आपको देख के ही लगेगा कि मैं एक बार ज़रूर ट्राई करूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो और ये बिना गैस जलाए हुए मैंने बनाया है, कोई से गैस जलाना नहीं है, आप जब चाहें बैठ के घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मिठाई बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। ये मैंने पार्ले जी का बड़ा वाला पैकेट लिया है, तो ये मैं दो ली हूँ। आप अगर छोटा वाला है तो आप 5 से 6 पैकेट ले सकते हैं, तो मैंने 2 ही लिया। और इसे क्या करना है, इसे पैकेट को फाड़ कर इसे मिक्सर जार में डालकर अच्छे से बारीक पीस लेना है। तो इसे हम पीस लेते हैं पहले। तो ये देखिए, हमने इसे निकाल लिया है। ये पार्ले जी, और बहुत ही ये मिठाई बनाने के लिए आपको पार्ले जी का ही बिस्किट चाहिए, तो इससे बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए इसे मिक्सर जार में हम डालकर पीस लेते हैं। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छे से बारीक पीस लिया है, ये बहुत ही अच्छा पीस गया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, पिसा हुआ चीनी डालें। अब इसमें देखिए, हम 3 चम्मच बड़े चम्मच से पिसा हुआ चीनी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। अब ये तीनों चीज को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब तीनों चीज को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चॉकलेट पाउडर, जिसे कोको पाउडर भी कहते हैं। तो मैं ये 1.5 चम्मच इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कहीं भी छूटे नहीं। तो ये देखिए, मैंने इसे हाथों से अच्छे से इसे सब चीज़ को मिक्स कर लिया है इक्वल। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध देकर हमें इसे डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा दूध दें हम, तो मैं और थोड़ा सा इसमें दूध दे देती हूँ। तो ये देखिए, हमने इस तरह डो बना लिया है और ये देखिए कितना प्यारा हमारा डो बना है। तो ये हमें इसे एक साइड अभी कर देते हैं। अब हम वाइट वाला बना लेते हैं, जो हमने वाइट का दिखाया है। अब इसमें हम डालेंगे पहले, ये हमारा नारियल का बुरादा है, तो मैं इसे लगभग 1 कटोरी दूंगी। चम्मच से मैं 3 चम्मच बड़ी चम्मच से दे रही हूँ भरकर। तो ये दे देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर हम इसी चम्मच से हमें 6 चम्मच डालना है। तो मैंने इसे 6 चम्मच इस चम्मच से मैंने दे दिया है। अगर आपको पाउडर शुगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने उस डो में भी दिया है। तो मैं ज़्यादा नहीं, इसमें 1/2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देती हूँ और इसे दूध के सहारे से इसे एक डो बना लेना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध दे के उसी तरह डो बना लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा पहले दूध दिया है, ये देखिए इसका भी डो हमने इसी तरह बनाया है। हमें टाइट डो बनाना है, गीला नहीं होना चाहिए। तो ये बन गया है। अब हम इसे प्लास्टिक शीट पर इसे फैलाएंगे। अब हम एक प्लास्टिक शीट लेंगे और हम ये वाले डो को आधा रैप ले लेंगे, इस तरह आधा लेना है हमें, क्योंकि एक साथ हमारा नहीं होगा। तो ये देखिए, इसे अच्छे से हमें चिकना कर लेना है और इसे प्लास्टिक शीट पर इस तरह रखेंगे और इसे इस तरह कवर कर देंगे और इसे हमें बेल लेना है। हल्के हाथों से हमें इस तरह बेलना है। तो ये देखिए, अगर ये किनारे किनारे फट रहा है तो आप टेंशन नहीं ले, इसे अच्छे से आप इस तरह सेट करते जाएं, अपने हाथों से इस तरह सेट कर दें और इस तरह फिर इस पर बेलते जाएं हमारा। इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ज़्यादा मोटा बेलना है। तो इसे हम, ये देखिए, तो ये मैंने देखिए अच्छे से बेल दिया और ये कितना प्यारा हमारा, आप इसकी मोटाई देख सकते हैं मैंने कितना रखा है। अब इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे। अब हम वाइट वाला को इसी तरह बेलेंगे, थोड़ा सा लेंगे पहले हम, ये देखिए थोड़ा सा लेके, और इसे भी उसी तरह बेल लेना है हमें। अब इसे हम इसी तरह इसे हल्के हाथों से हमें बेलना है और चारों तरफ हमें घुमा देना है और हल्के हाथों से हमें इसे बेलते जाना है। और इसका भी अगर फटे तो कोई बात नहीं, आप सेट कर सकते जैसे मैंने बताया है।
और दोनों की मोटाई हमें इक्वल रखनी है। तो ये देखिए हमने बेल दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हम एक कटर लेंगे, इस तरह का मैंने दिल शेप का कटर लिया है। आपके पास कोई भी कटर हो, चाहे आप एक कटोरी से भी शेप बना सकते हैं, छोटी कटोरी से या छोटे गिलास से भी बना सकते हैं, तो मैंने ये वाला लिया है। अब हमें इसे शेप देना, इस तरह हम इसे काटते जाएंगे जितना भी हो सके। तो मैंने सारे को निकाल लिया, अब इसे हम इस तरह निकाल लेंगे सभी को। ये देखिए मैंने दिल शेप का इस तरह बनाया है और कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह हम ब्राउन वाले में कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया और जो ये बचा हुआ है इसे भी हम इसी तरह बेलकर फिर से और कट कर लेंगे। अब ये देखिए ब्राउन वाला को भी इसी तरह हम शेप से काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे भी अब इसी तरह हमें निकाल लेना है सभी को, और जो बचा हुआ है फिर से उसे बेलकर बना लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्राउन और एक वाइट इस तरह लेंगे, इसके ऊपर इस तरह हम रखेंगे और फिर एक ब्राउन लेंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए कितना प्यारा हमारा मिठाई बनकर तैयार है, देख सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ से हमारा ये मिठाई अच्छा लग रहा है। अब हम एक वाइट वाला भी आपको करके दिखाते हैं। पहले वाइट लेंगे, बीच में ब्राउन डालेंगे और फिर से वाइट। आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा दोनों तरफ से लग रहा है, और ये लग ही नहीं रहा है कि आपने बिस्किट से बनाया है, और ये बहुत ही प्यारा मिठाई बना है। तो इसी तरह सारा बना लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने सारा बनाकर इस तरह मैंने कट किया है, और वाइट वाला भी बनाया और मैंने ब्राउन वाला भी बनाया। अब देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और देखा मैंने कितने कम चीज़ों में इसे बनाया है। तो अब देख सकते हैं, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू। तब देख सकते